बच चुका है। यहाँ पर अंतिम दिनों का जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है, करीब 8 दिन और चुनाव में बचे हैं। और यहाँ पर जो प्रतापगढ़ की विधानसभा है उसमें आज यहाँ पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुँचने वाली है, और यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी है हेमंत मीणा उनके समर्थन में एक जनसभा का आयोजन यहाँ प्रतापगढ़ जिले के अरनोद के नजदीक गोतमेश्वर महादेव में रखा गया है। और यहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड पर यहाँ पर लोग जो भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, और वो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक तरफ यहाँ पर सभा भी चल रही है जिसमें वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जा रहा है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। और यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है जिनका यहाँ पर क्षेत्र में खासा प्रभाव है, और जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं नंदलाल मीणा वो उनके खास सिपहसालार माने जाते हैं, और उनके ऊपर इनका आशीर्वाद पूरी तरह से बना रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे उन्होंने इस प्रतापगढ़ जिले की सौगात दी है, और यहाँ पर उन्होंने उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र को अनुपम सौगातें दी है जिसके चलते यहाँ पर लगातार 30 सालों तक भाजपा का राज रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान जो है 5 साल वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर लगातार सत्ता परिवर्तन करने को लेकर भाजपा जी जान से जुटी हुई है, और इसी क्रम में यहाँ पर आज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं हेमंत मीणा उनके समर्थन में सभा का आयोजन किया गया है। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो यहाँ के हेलीपैड की है जहाँ पर मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे उनका इंतजार हो रहा है, और कार्यकर्ता यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। मनोज राठौर, काटन की आवाज, प्रताप। बिजली नहीं आएगी तो फ्री कार मिलेगी? बिजली आ रही है क्या? आपको मिल रही होगी 22 घंटे जो हम लोगों ने हमारी माताएं बहनों के लिए फ्रिज चलाने के लिए और आपके पंखे बिजली चलाने के लिए दिए थे, आपको मिल रही होगी 22 घंटे? नहीं मिल रही। बिजली का वादा किया था कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, नहीं मिली। किसानों को वादा किया था कि आपको 6 घंटे 7 घंटे बिजली हम देंगे, मिली? आज झालावाड़ भी और आपके जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, ये है कांग्रेस की सरकार। 4 साल कोई काम नहीं करना क्योंकि अपन लोगों ने रोड भी बना दिए थे, बिजली भी लगा दी थी, पानी का भी इंतजाम कर दिया था, छोटे मोटे सब काम हो गए थे, तो 4 साल रगड़ के उसको इस्तेमाल किया। फिर 5वें साल में तो उर्दू, और सबसे बेहतर इसको समझने वाला जानने वाला हमारे बाबा बैठे हैं, ये बाबा सब कुछ जानते हैं, और ये सब बाबा इनको समझाने का बताने का काम करेंगे। मुझे तो समझाया बुझाया इन्होंने, इसीलिए तो आपके परिवार से इतने प्यार से मैं जुड़ सकी। और मैं अरनोद आई हूँ बाबा, वो कहाँ गया मेरा हीरो छोटा सा? ये ये राम कितना बड़ा हो गया दिखा दे। ये मेरे पास आता था जब अरनोद मैं आया करती थी इसी मंच पे, तो ये था। मैं भूल गई, ऐसी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार, सशक्त परिवार हो गया। आज राणा जी के नेतृत्व में सुरेंद्र कुमार जी बोल दिया, हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका प्रतापगढ़, जिनको इतने साल से हम जोड़ रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से हम लोगों के साथ अपने बेटे प्रदीप कुमार जी को साथ लेके आए, श्री दिलकुश पाटीदार, प्रवीण बोल दिया, भवनलाल जी मीणा, आविश बोल दिया, राजकुमार सुथार, रामप्रसाद सुथार, भैरूलाल जी डांगी, राजेश सालवी, जितेंद्र सोनी, हरीश सालवी, घनश्याम कुमावत, इस सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, और साथ में मुकेश वेदास, अंजुम मीणा, नाकुराम जी मीणा, भैरूलाल जी मीणा और दिलीप सिंह जी और हजार कार्यकर्ता उनके साथ और आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हमारी पार्टी के अंदर स्वागत करती हूँ, और मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी और मजबूत होगी आपके सबके आने से, और ये मजबूती हमको 25 तारीख को अपने वोटों में दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत प्यार से हमारी पार्टी के अंदर स्वागत है। हमारे जाइए।